लाइलाज बीमारी माने जाने वाले एचआईवी के उपचार की दिशा में वैज्ञानिकों को बड़ी सफलता हाथ लगी है। वैज्ञानिकों ने एक ऐसा किल स्विच खोज निकाला है जो एड्स का कारण बनने वाले वायरस के संक्रमित कोशिकाओं को रिप्रोडक्शन का पूरी तरीके से खत्म कर देता है, यानी नए वायरस को बनने से रोकता है और इसके साथ ही संक्रमित हुए कोशिकाओं को ठीक करने लगता है, जिसकी वजह से एचआईवी संक्रमित व्यक्ति ठीक हो जाता है। कोशिकाओं में निष्क्रिय पड़े वायरस को नष्ट करने के लिए एक आणविक किल को नियंत्रित किया जा सकता है। दुनिया भर में वैज्ञानिक दशकों से इसकी खोज में जुटे हैं। इस खोज के बाद एचआईवी से पीड़ित लोग अब वायरस को खत्म करने के लिए दवाई ले सकते हैं, लेकिन यह उपचार नहीं है। कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय में वैज्ञानिकों की टीम ने यह खोज की है। इंसानों की कोशिकाओं में हुआ प्रयोग। प्रयोगशाला में इंसानों की कोशिकाओं पर हुए परीक्षण में वैज्ञानिकों ने पाया है कि एक विशेष मॉलिक्यूल्स जो नियंत्रित करने के लिए निष्क्रिय एचआईवी कोशिकाओं को नष्ट किया जा सकेगा। वैज्ञानिकों का टीम का कहना है कि यह पिछले 3 दशकों से इस किल स्विच को खोजने में जुटे थे। वैज्ञानिकों का विश्वास है कि अध्ययन में मिली सफलता के जरिए एड्स को जड़ से खत्म करने में मदद मिलेगी। वर्तमान में थेरेपी और दवा की सहारा। वर्तमान में एचआईवी से पीड़ित मरीज जीवन भर दवाएं लेते रहते हैं, वायरस का दबाव के लिए एंटीबैक्टीरियल थेरेपी की मदद लेते हैं, लेकिन इसके लिए एक उपचार की खोज अभी भी बाकी है। थेरेपी के बंद होने के बाद यह वायरस दोगुना सक्रिय हो जाता है, कई गुना तेजी से बढ़ता है और दूसरों को संक्रमित करने या एड्स के होने का खतरा बढ़ जाता है। आंकड़ों की माने तो अनुमानित तौर पर दुनिया में 3.69 मिलियन लोग एचआईवी से संक्रमित हैं। उम्मीद की किरण जगी। प्रमुख साइंटिस्ट डॉक्टर तारिन राणा का कहना है कि पिछले 3 दशकों में जिस खोज में एचआईवी फील्ड जुटा है उसमें यह महत्वपूर्ण स्विच है। इस खोज के जरिए हम आपके पास एचआईवी और एड्स के उन्मूलन के एक संभावित चिकित्सा लक्ष्य है। बेशक वैज्ञानिकों को हाथ लगी यह बड़ी सफलता है, लेकिन अभी इस दिशा में अध्ययन करने की जरूरत है। संक्रमित होने वालों की संख्या 1.8 मिलियन से अधिक। रॉयट्स की रिपोर्ट के मुताबिक 1980 के दशक में एड्स महामारी शुरू होने के बाद ही 7700 मिलियन के अधिक लोगों का इसका वायरल फैल चुका था। 2017 में दुनिया भर में 40 मिलियन लोग एचआईवी पॉजिटिव थे। ग्लोबल हेल्थ के विशेषज्ञों का कहना है कि वायरस के मरने वाले की संख्या प्रति वर्ष कमी आ रही है और एंटीवायरल उपचार लेने वाले लोगों की संख्या में वृद्धि हो रही है, लेकिन फिर भी प्रति वर्ष एचआईवी से संक्रमित होने वालों की संख्या अभी भी 1.8 मिलियन से अधिक है। लेकिन वही दुनिया भर में 2017 में 40 मिलियन लोग एचआईवी पॉजिटिव थे। तो दोस्तों, आप क्या सोचते हो, क्या चेंज होगा एचआईवी किल स्विच आने के बाद? कितने हद तक हम एचआईवी को कंट्रोल कर पाएंगे? नीचे कमेंट बॉक्स में बताएं। तो दोस्तों, फिलहाल आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करो, और यार अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो। तो मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ। जय हिंद, गुड बाय।